मुझे लगता था कि मुझे कोई नहीं कर सकता काबू, लेकिन एक नागिन ने मुझे अपने बस में कर लिया और वो नागिन है मेरी बाबू। अच्छा क्यों बोल रहा मैंने तुमसे अपने जन्मदिन पर गहने मांगे गिफ्ट में और तुमने मुझे खाली डब्बा दे दिया। पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी शर्म आई मुझे। शर्म ही तो औरत का गहना है पगली। अरे आराम खोरो, ये सब क्या हो रहा है? रुको नलायको, मुझको भी आराम खोरो माफ करना, कुटाई तुम्हारी अब डंडे से होगी। गुपचुप गुपचुप गुपचुप। अबे थार भाद। अबे हो नलायक, ठीक है उठ जा, सुबह हो गई। प्रभु कुछ नाश्ता पानी लेंगे? सर एक कप चाय मंगवा लीजिए पावरोटी के साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं हुजूर, अभी देता हूँ। तेरी तो क्या हुआ, मिला नालायक कहीं का? चल बता इलाहाबाद की सिंधी कब और किन के बीच हुई? सर इलाहाबाद की सिंधी, हाँ सर, मोदी जी और योगी जी के बीच में बनारस घाट पर दोपहर को हुई थी। अबे तेरी तो नालायक कहीं का, कौन सा इतिहास पढ़ते हो प्रभु, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? अगर बेटा कल तू अपने माँ बाप को बुला के नहीं लेके आया ना, तो मेरे क्लास में घुसना भी मत, अगर घुस गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। सास ससुर देवरानी जिठानी नंद, इन सबको मिलाकर जो कॉम्बो होता है ना, वो है मेरा पति। सारा दिन चुड़ 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 चुड़। मॉम थोड़ा सा हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। क्यों ना हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैं बताने ही वाला था मॉम, उससे पहले ये आ गई। अच्छा सुनो, हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूं मॉम, आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूं तो आपकी याद हमेशा आती है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे।